अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोफिया इन द किचन। आज मैं आपके साथ रमजान स्पेशल रेसिपीज में शेयर करी हूँ टोटिया कॉर्न्स की रेसिपी। तो ये बहुत ही मजे की, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, आप इस रमजान में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत ही मजे की जो है ये सैंडविचेस टाइप कॉर्न्स बनती है, आप इसको जरूर ट्राई करें। और बहुत ही मजे की जो है वो हम इसकी चिकन की फिलिंग बनाएंगे। तो बहुत ही ईजी और मजे की रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो हम चिकन की फिलिंग रेडी करेंगे। तो उसके लिए एक पैन में आपने ऐड कर देना है ऑयल। तो यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून के जितना आपने ऑयल ऐड कर देना है और आपने लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है। अब आपने इसमें ऐड कर देना है गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे 1 टीस्पून के जितना आपने गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है और उसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बोनलेस चिकन। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 चिकन ब्रेस्ट को आपने जो है वो स्मॉल क्यूब्स में कट कर लेना है। आपने जो है वो उसको अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर देना है और उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो आपने जो है वो चिकन को अच्छे से भूनना है लहसुन के साथ, ताकि इसमें जो भी स्मेल है वो चले जाए। तो जब आपकी चिकन जो है वो इस तरह से अच्छे से लहसुन के साथ भूनती है तो फिर उसमें कोई भी स्मेल नहीं रहती। तो ये आप देख सकते हैं चिकन जो है हमारी व्हाइट होना स्टार्ट हो गई है। आपने जस्ट इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो 1/2 कप की जितनी प्याज है, यानी ऑल साइज के आपने 2 प्याज ले लेनी है, उसको बारीक कट कर लेना है। बस वो आपने ऐड कर देनी है इसमें और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसको जो है वो कवर करके कुक करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो जब तक हम जो है वो व्हाइट सॉस रेडी कर लेंगे, तो उसके लिए आपको जो है वो 1 टेबल स्पून की जितनी क्रीम चीज चाहिए और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे मेयोनीज। 1 टेबल स्पून के जितना आपने मेयोनीज ऐड करना है। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे लबना 1 टेबल स्पून की जितनी। अगर आपके पास लबना नहीं है तो आप इसमें जो है वो दही भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि योगर्ट वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट आपने तीनों चीज़ों को ऐड कर देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा व्हाइट सॉस जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, जो कि हम चिकन की फिलिंग में ऐड करेंगे। तो व्हाइट सॉस जो है वो हमारा रेडी है। तो चले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के। तो आप देख सकते हैं चिकन जो हमने कुक करने के लिए रखी थी 2-3 मिनट हो चुके हैं और चिकन आप देख सकते हैं अच्छे से गल चुकी है और इसमें काफ़ी पानी भी छोड़ दिया है। तब अब इसमें जो है वो ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। तो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन, येलो एंड रेड शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम है, वो आपने ऐड कर देनी है। और साथ ही थोड़ी सी हरी प्याज आपने ऐड करनी है और गाजर आपने ऐड कर देना है। तो आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी जो है ये वेजिटेबल्स ले लेनी है और उनको स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है आपने। और आपने फिर जो है वो इनको ऐड कर देना है। जस्ट आपने इनको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे चिकन क्यूब। तो 1/2 जो है वो आपने चिकन क्यूब इसमें ऐड कर देनी है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। तो आपने ऐड कर देना है इसमें सॉल्ट 1/2 टीस्पून की जितना, और ब्लैक पेपर पाउडर आपने ऐड करनी है 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची यानी कि रेड चिली फ्लेक्स आपने ऐड करनी है 1/2 टीस्पून, और सोया सॉस आपने ऐड कर देना है 1 टीस्पून, और उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो आपने सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देख के ऐड करना है, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी चीज़ ऐड कर रहे हैं, सोया सॉस ऐड कर रहे हैं, चिकन क्यूब हमने ऐड किए हैं, तो इसलिए आपने सॉल्ट जो है वो बहुत देख के ऐड करना है। तो जस्ट आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी है, तो इस पानी को जो है वो आपने अच्छे से ड्राई करना है। तो जस्ट आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं पानी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉस जो हमने बना के रेडी किया था व्हाइट सॉस। आपने सारा ऐड कर देना है इस तरह से और उसको जो है वो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़े की जो है वो चिकन फिलिंग बनती है और काफ़ी डिफरेंट सी ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप जो है ये फिलिंग जो है वो डिफरेंट पीस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1/3 कप की जितनी मोज़रेला चीज़ है वो आपने ऐड कर देनी है इस तरह से, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना ऐड करें, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी ज़बरदस्ती चिकन फिलिंग बन के रेडी हो गई है। वो फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और उसको जो है वो निकाल लेंगे। अब हम जो है वो टोर्टिया कॉर्न्स बनाएंगे। तो उसके लिए आपको जो है वो टोर्टिया रैप चाहिए होगी। ये रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, या आप होममेड भी बना सकते हैं या फिर आप जो है वो मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। तो जस्ट आपने एक टोर्टिया जो है वो इस तरह से ले लेनी है टोर्टिया रैप्स, और उसको जो है वो आपने 4 पीसेस में कट कर लेना है इस तरह से। आपने जस्ट 4 इक्वल पीसेस में इनको कट कर लेना है।
फिर आपने इसको उस तरह से जो है वो रैप करके कोन बनानी है। तो सॉरी मेरा कैमरा जो है वो यहाँ से कट हो गया है तो आपको नज़र नहीं आएगा, बट बहुत ईजी है। तो जस्ट आपने इसको सील करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम चीज़ यानी कि जुबना लगाना है और फिर आपने इसको जस्ट रोल कर लेना है, तो ये ईजिली जो है वो कोन बन जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो आपने कोन बना के रेडी कर लेनी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे फिलिंग। तो उससे पहले जो है वो आपने सैलेड लीफ रख देना है, थोड़ा सा कट करना है और फिर आपने जो है वो इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देनी है। तो जो हमने फिलिंग अभी बना के रेडी करी थी वो आपने इस तरह से ऐड कर देनी है इसके अंदर। तो ये हमारी टोटिया कोन जो है वो बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से हम बाकी सारी बना लेंगे। रेडी है हमारी ज़बरदस्त सी टोटिया कोन्स। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी सारी जो है वो इससे बन जाती हैं। तो चले अब हम जो है वो इनको सर्व करते हैं। तो रेडी है हमारी मज़ेदार सी टोटिया कोन्स। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है। आप इसको फ्रेंच फ्राइज के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो आप ये करीब से भी देख सकते हैं ज़बरदस्त सी जो है ये कोन्स बनी है। मैं आपको जो है वो टेस्ट करके बताती हूँ। तो टेस्ट में भी जो है ये बहुत ही मज़े की बहुत ही ज़बरदस्ती बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली जो चिकन फिलिंग हमने रेडी करी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी और मज़े की बनी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। डिफरेंट सी जो है वो मैंने आपके साथ इसकी चिकन की फिलिंग की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कम्प्लीटली होममेड रेसिपी है। आप जो है वो ये टोटिया रैप्स जो है वो घर में भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर ऑलरेडी। वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख के बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। तो आप जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर इस रमज़ान में बनाएं और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं याद रखें इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।